Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is your mathematics teacher Osama Saeed from Peshawar Model School, Jarsadda. Okay, student. Last lecture में हमने exercise 2.3 का build up किया था. उसके example किए थे, उसके कुछ definition किए थे. आज हम exercise 2.3 को start कर रहे हैं, जो आपके book page number 64 को आप देख सकते हैं. अपने साथ rough notebook रख के और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उस पर अच्छी तरह प्रैक्टिस किया करें. अच्छा, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सही है, तो इंडेक्स का मैंने बताया था और रेडिकेंट का भी बताया था. रेडिकेंट वो चीज होती है जो एक स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या किसी भी रूट के अंदर पड़ी होती है, और इंडेक्स इधर जो चीज होती है, जिस जिधर मैंने ये माउस रखा हुआ है, ठीक है ना, इधर जो चीज नहीं होती है तो उधर हम उसको कंसिडर करते हैं टू, मतलब ये होता है स्क्वायर रूट. ठीक है, तो गिवन मैं ये राइट करें, इसके रिक्वायर्ड में लिख के इंडेक्स एंड रेडिकेंड. ठीक है, तो इसका इंडेक्स सही है ना, कुछ भी नहीं है इधर, तो मतलब कुछ नहीं होता है तो उधर एन क्या कंसिडर करते हैं, टू कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो इधर जो है आप अपना इंडेक्स टू लिख ले, और आपका रेडिकेंट क्या होता है, आपका रेडिकेंट क्या होता है, आपका रेडिकेंट 11 बाई वाई होता है. सही है, क्योंकि ये पूरा आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे, आपके पास ए रिप्रेजेंट कर रहे. सो हियर सिंपल इंडेक्स इज 2 एंड रेडिकेंट इज 11 बाई वाई. अच्छा, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अपना कैमरा ऑन ना किया करे. अच्छा, सेकेंड पार्ट आप देखिए, द थर्ड रूट ऑफ 13 बाई 3x. से तो 3 इसका क्या हो गया, 3 इसका इंडेक्स हो गया, इस थर्ड रूट के अंदर क्या पड़ा है, 13 बाई 3x, तो 13 बाई 3x इज योर रेडिकेंट. सही है, सिंपल है, तो जल्दी मैं बता रहा हूँ आपको. चलिए जी, तो आप खुद भी कर सकते हैं, द फिफ्थ रूट ऑफ ए बी स्क्वेयर. तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 5 है, क्योंकि फिफ्थ रूट डिस्कस हो रहे हैं ना, और इसका रेडिकेंट क्या है, रेडिकल के अंदर जो चीज पड़ी है ए बी स्क्वेयर, तो उसका ये रेडिकेंट हो गया. ठीक है जी. अच्छा जी, अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 2. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई. कल मैंने आपको बताया था कि दो फॉर्म होते हैं हमारे पास, एक होते हैं रेडिकल फॉर्म, दूसरा होते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है जी, तो हमने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है और सिंप्लीफाई भी नहीं करना है. इसमें फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 36 है, और ये आपके पास कौन सा फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है. इसको मैंने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो बस सिंपल, सिंस वी नो दैट द स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, तो 36 के ऊपर सिंपल आप 1 बाय 2 राइट करें. इधर स्क्वायर रूट ऑफ 1000 है और इसको हमने ट्रांसफर करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप 1000 के ऊपर 1 बाय 2 लगा. ठीक है जी. अच्छा, ये थर्ड रूट ऑफ 8 है, इसको आप गिवन में राइट करें. इसके रिक्वायर्ड में क्या लिखना है, इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बस थर्ड रूट ऑफ 8 है, तो थर्ड रूट है, तो हम इधर एक जुमला लिख लेंगे, सिंस सम थर्ड रूट इज इक्वल्स 1 बाय 3, तो मतलब 8 के ऊपर आप क्या लिख लेंगे, 8 के ऊपर 1 बाय 3 आ जाएगा. चलिए जी, ये जनरल लिखा है. फोर्थ वन को अगर आप देखें बुक में, तो द nth रूट ऑफ क्यों है, तो इसका मतलब क्या हुआ, nth रूट ऑफ क्यों, इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज क्यों, के ऊपर क्या आएगा, 1 बाय n आएगा. देखिए ना, जब मैं आपको बता रहा था कि ये स्क्वायर रूट है तो उसके ऊपर 1 बाय 2 आ रहा था, ये क्यूब रूट है उसके ऊपर 1 बाय 3 आ रहा है. अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये nth रूट है तो उसके उस रेडिकेंट के ऊपर क्या आएगा, उस रेडिकेंट के ऊपर क्या आएगा, 1 बाय n आएगा जी. ठीक है ना, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे. ठीक है जी, चलिए इसका फिफ्थ वन भी जरा आप देख ले. फिफ्थ वन में क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है. इधर लिखे 5 - 6 ए स्क्वेयर होल क्यूब का स्क्वेयर रूट, तो ये स्क्वेयर रूट है, तो इंडेक्स क्या हो गया हमारा, इंडेक्स हमारा 2 होगा ना, और ये पूरी का पूरा जो स्क्वेयर रूट के अंदर पड़ा हुआ है ना, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा रेडिकेंट कहलाएगा. इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो सिंपल मैं इसके ऊपर क्या लिखूंगा, 1 बाय 2. चलिए आप बोर्ड पे देख ले. ठीक है जी,
एक दफा आप देख लें, फिर आप लोग दोबारा मुझसे करवाते हैं, ऑनलाइन क्लास में तो इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, के 5 माइनस 6 स्क्वेयर और इसके ऊपर होल क्यूब है ना, और इसके ऊपर ये स्क्वेयर रूट। तो गिवन रिक्वायर्ड आप सब लिख लेंगे और मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। देखिए ना, आपके पास स्क्वेयर रूट है तो स्क्वेयर रूट की वैल्यू क्या होती है, सिंग स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 1/2। तो ये पूरे का पूरा आप ये रेडी कर लिख लेंगे, 5 - 6 ए स्क्वेयर होल क्यूब, ये आपका पूरे का पूरा रेडिकन है ना, और इसके ऊपर स्क्वेयर रूट के लिए 1/2 आ जाएगा, ये 3 1 3 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये पूरे रेडिकन आप जो है अपनी जगह पे राइट कर लेंगे, 5 - 6 ए स्क्वेयर और इसके ऊपर जो है क्या आ जाएगा, 3 1 3 तो बस 3 और ये नीचे 2 आ जाएगा। तो ये जस्ट आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए जी, अब देखिए, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अच्छा, मैं ये नोट्स दोबारा शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वन देख ले आप, थर्ड रूट ऑफ -64। अब ये वो आपको मैंने बताया था कि अगर आपका रेडिकन नेगेटिव हो जाए ना तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म वही का वही -64, और थर्ड रूट के लिए ऊपर हम क्या लगा लेंगे, 1/3 लगा लेंगे। ठीक है जी। अच्छा चले, अब क्वेश्चन 3 को देखिए। क्वेश्चन 3 आपके पास है। अब हमें जो है क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म बनाना है। ये इस क्वेश्चन 2 का एक रेसिप्रोकल सा आप समझ ले। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। सो -7 का 1/3 है, सो दैट्स सिंपल। गिवन में आप ये राइट करें, इसके रिक्वायर्ड में लिखे टू ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म, सिंपल राइट, -7 / 1/3। ये तो हमने थोड़ा सा गलत लिखा है, 1/3 थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बस आसान सी बात है ना, आसान सी बात है कि आपका नेगेटिव रेडिकेंट है तो नेगेटिव रेडिकेंट अंदर ही जाएगा, ये माइनस वैसे ही लगाया गया है। ठीक है। और ये -7 हमने रेडिकेंट सेलेक्ट कर लिया और इसका थर्ड रूट आप इसके ऊपर लगा ले। ठीक है। अच्छा जी, अब इसका सेकेंड पार्ट है x^-3/2। इसका क्या करेंगे, गिवन में आप ये राइट करें, रिक्वायर्ड में राइट करें टू ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म, और रेडिकल फॉर्म इसका क्या होगा, x^-3/2 है ना। ठीक है। तो सबसे पहले इससे आप 3 को अलग कर लेंगे और 1/2, तो इसको मैं जरा करवा रहा हूँ आपके लिए, आप जरा देख ले इसको, ये वाला थोड़ा सा। ठीक है, देख ले आप। अच्छा जी, लिखा है कि x^-3/2, तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है इसमें। इसको हम लिख सकते हैं खुद से कि x^-3 × 1/2। अच्छा जी, अब हम पुट कर सकते हैं इस 1/2 के लिए क्या, इसके लिए हम स्क्वेयर रूट का ये रेडिकल का साइन पुट कर सकते हैं। लेकिन ये x^-3 जो है एज अ होल क्या कंसिडर होगा, एज अ होल ये कंसिडर होगा रेडिकेंट। तो ये रेडिकेंट मैंने अपनी जगह पे लगाए और ये इसके लिए हमने क्या लगाया, 1/2 के लिए, इसके लिए मैंने इस रेडिकल का साइन लगाया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं शेयर करवा रहा हूँ, वो देख ले जरा। फिर लिखा है -8 / 1/5, इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल में। अच्छा, तो -8 / 1/5 आप रेडिकल फॉर्म में जब लिखेंगे तो -8 अपनी जगह पे आएगा और 1/5 के लिए 5th रूट हो जाएगा। ठीक है जी। तो बस ये आपका सिंपल सा तरीका हो गया, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हो गया, लेकिन रेडिकेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव अपनी जगह पे आया और 1/5 क्या, 1/5 क्या डिनोट करते हैं, 5th रूट, तो 5th रूट लिख लें। अच्छा जी, 4th वन पार्ट आप देख लें।
इसमें लिखा है वाई पावर 3/4, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में, तो ये भी उसी तरह है वाई पावर 3/4। तो आप चलिए इसको देख ले, वाई पावर 3/4 का भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं नोट्स में डिस्कस करो, फिर बारी बारी सबको। चलिए अभी से बस देख ले, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, y पावर ये कौन सा पार्ट है आपके पास, फोर्थ वन है ना, इसका सॉल्यूशन आप देख ले, y पावर 3/4। अच्छा जी, इसको मैं लिख सकता हूँ y और 3 इधर साइड पे लिख का और 1/4, क्योंकि 3 × 1 = 3/4 इससे वापस आ जाता है। अच्छा, हमें पता है कि 1/4 क्या रिप्रेजेंट किया, कौन सा रूट जी, इसको आप लिख ले फोर्थ रूट, ये हमें फोर्थ रूट ही देता है ना। चले अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, वाई क्यूब अपनी प्लेस पे आ जाएगा और ये 1/4 के लिए मैं क्या राइट करूंगा, फोर्थ रूट, बस ये आपका सिंपल आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट को भी फिर मैं व्हाइट बोर्ड दोबारा नहीं निकाल सकता, तो फिफ्थ को आप बुक से देख ले, और इधर मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। फिफ्थ में है बी पावर 4/5। अच्छा जी, इसके सोल्यूशन को आप देखें, आप मुझे बताए कि बी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि बी पावर 4 × 1/5, यस आई कैन राइट इट। और हमें पता है कि 1/5 कौन सा रूट होता है, ये होता है जी फिफ्थ रूट, ठीक है, हम ये सेंस में लिख लेंगे। अच्छा, तो बी पावर 4 की जगह पे इसका फिफ्थ रूट आ जाएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, सही है। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट पार्ट को देख ले, सिक्स्थ वन को भी देख ले, ठीक है। सिक्स्थ वन के सॉल्यूशन को आप देखें, ये आपको पेज नंबर 64 पे देखेगा, ठीक है। अच्छा, 3x/1/q, सिंपल, ये आपको जनरलाइज्ड करके दे रहा है। हमें पता है सेंस कि जब 1/2 था तो उसके लिए स्क्वायर रूट था, जब 1/3 था उसके लिए थर्ड रूट था, जब 1/4 था उसके लिए फोर्थ रूट था। अब जब ये जाएगा ना, और मैं इसको जनरलाइज कर लूं, जब 1/q होगा ना, तो आप सोचिए थोड़ा सा, तो क्यों एथ रूट होगा, कौन सा क्यों एथ रूट होगा, तो ये तो आपका रेडिकेंट है ना, तो रेडिकेंट तो सिरे से चेंज ही नहीं होगा, तो रेडिकेंट को मैंने अपनी प्लेस पे राइट किया, और इस पे मैं कौन सा रूट लगाऊंगा, क्यूएथ रूट लगाऊंगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, होप आप सब ये समझ गए होंगे। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं शेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग जो है फिर आप अपने बुक से देख लेंगे, ठीक है, और मैंने सारे आपको व्हाइट बोर्ड पे भी शेयर करवा दिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, चलिए क्वेश्चन फोर्थ है, सिंपलीफाई द थर्ड रूट ऑफ 125x है, थर्ड रूट ऑफ 125x रिक्वायर्ड में सिंपलीफिकेशन लिखना है। सॉल्यूशन को देखो, थर्ड रूट ऑफ 125x है, तो इसको मैं, चले आसान से मेथड, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 125x, तो प्रोडक्ट रूल जरा आप अप्लाई करें, थर्ड रूट ऑफ 125 है, 125 आप कंसिडर करें कि a है और x आप कंसिडर करें कि b है, तो 125 को भी आप थर्ड रूट दे दें और x को भी आप थर्ड रूट दे दें। ये कौन सा रूल मैंने आपको बताया था, आप पेज नंबर 62 पे प्रोडक्ट रूल देख सकते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल में प्रोडक्ट रूल। अच्छा जी, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब,
ठीक है ना, क्योंकि 5 5 25 25 5 125 और थर्ड रूट अपनी जगह पे, और थर्ड रूट ऑफ एक्स अपनी जगह पे राइट किया। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास थर्ड रूट के लिए ऊपर उस रेडिकेंट के ऊपर हम 1/3 लगा लेते हैं, और एक्स के लिए हम जो है इसके ऊपर 1 है ना, तो बस इसको अपनी प्लेस पे ही राइट कर लेंगे ना, थर्ड रूट है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर 5 थर्ड रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा चलिए, इसको आप जरा बोर्ड पे देख लें। द थर्ड रूट ऑफ 125x मैंने सॉल्व करना है, प्रोडक्ट रूट रूल लगाएं, थर्ड रूट आप 125 को भी दे दें और थर्ड रूट जो है आप x को भी दे दें। ठीक है, थर्ड रूट हमने इसको भी दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट में फिर क्या हो जाएगा, क्या मैं इस थर्ड रूट को लिख सकता हूँ 125? तो 125 के ऊपर मैंने क्या लगाया, 1/3 लगाया, और इस थर्ड रूट ऑफ एक्स को मैंने चेंज नहीं किया अपनी प्लेस पे लिख। नेक्स्ट स्टेप में इस 125 को मैं 5 का क्यूब लिखूंगा, क्योंकि 5 5 25 और 25 5 125, तो 5 का क्यूब और 1/3 साथ में आ जाएगा इसके पावर में, और थर्ड रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। ये 3 और ये 3 कैंसल, तो आपके पास आंसर में 5 और थर्ड रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आती है तो YouTube पे फिर आपको ये वीडियोस मिलेगी, फिर उससे आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड रूट ऑफ 8/27 है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है थर्ड रूट ऑफ 8/27। इसको गिवन में राइट करें, इसके रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन राइट करें। सॉल्यूशन गिवन दैट द थर्ड रूट ऑफ 8/27, तो ये जी आपका वो क्वोशन्ट रूल है, आप पेज नंबर 62 से भी देख सकते हैं। क्वोशन्ट रूल मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि अगर आपके पास तो कोई भी रूट हो, nth रूट हो और उसका a by b हो, तो उन दोनों को आप सेपरेटली क्या दे सकते हैं, वो थर्ड रूट दे सकते हैं। सही है जी। अच्छा, तो इसके नोमिनेटर को भी मैंने थर्ड रूट दे देना है, इसके डिनोमिनेटर को भी मैंने थर्ड रूट दे देना है। अब 2³ इसका रेडिकेंट है, और इस थर्ड रूट के लिए मैंने ऊपर 1/3 लिखा, और 3 इसका रेडिकेंट है और इसके ऊपर क्यूब है, इसके पावर में इसको 1/3 दे दूंगा, तो इसका आंसर जो है 3 3 और 3 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर 2/3 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा चलिए, इसको भी आप जरा देख ले व्हाइट बोर्ड पे। अच्छा जी, ये इस तरह था कि द थर्ड रूट ऑफ 8/27, तो इसको सिंपल आप डोमिनेटर को भी थर्ड रूट दे दोगे और इसके डिनोमिनेटर को भी आप थर्ड रूट दे दोगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इस 8 के ऊपर क्या लगाएंगे, 1/3 लगा लेंगे, 1/3, और इस 27 के ऊपर भी हम 1/3 लगा लेंगे। अच्छा जी, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और इसके ऊपर हम 1/3 लगा लेंगे, और इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और इसके ऊपर हम क्या लगा लेंगे, 1/3 लगा लेंगे। ये 3 और ये 3 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर जो है वो 2/3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये फिर आप जरा दोबारा देख लेंगे, उस पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सही है, एक मिनट जरा आप वेट करें। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पार्ट है आपके पास। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से भी और आपके स्कूल के पेपर्स में भी अक्सर औकात आता है। ठीक है। 625x³ y³ y⁴ / 25xy² का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको गौर से देखने, इसको गिवन में रिपीट करें।
रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन राइट करो और सॉल्यूशन को देखो। सॉल्यूशन में जैसे कि आपने पढ़ा कि ये पूरा कंसीडर कर ले ए और ये पूरा कंसीडर कर ले बी, तो कोएफिशिएंट रूल आप अप्लाई करें ना, स्क्वायर रूट ऑफ नोमिनेटर को भी दे दे और डिनोमिनेटर को भी दे दे, ठीक है जी। जब हमने इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया और कोएफिशिएंट रूल अप्लाई किया तो हमने फिर देखा कि इसके नोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है और इसके डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, ठीक है जी। क्योंकि हम 625 को अलग कंसिडर करेंगे, एक्स क्यूब को अलग कंसिडर करेंगे, y क्यूब को अलग कंसिडर करेंगे, सही, y4 को अलग कंसिडर करेंगे। सिंपली हम इस 25 को भी अलग कंसिडर करेंगे, x को भी अलग कंसिडर करेंगे और y स्क्वायर को भी अलग कंसिडर करेंगे। तो इन सब पे हमने क्या प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और सबको अलग अलग से स्क्वायर रूट दे दिया। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप में देखें। अब इस तरह होगा कि 625 जो है आपके पास 25 का स्क्वायर है, क्योंकि अगर आप 25 मल्टीप्लाई विद 25 करें तो 625 आएगा। तो इस 25 के लिए मैंने इस 625 के लिए मैंने 25 का स्क्वायर लिखा, ये अपनी जगह पे आ गया, y4 का स्क्वायर रूट अपनी जगह पे आया, 25 जो है 5 का स्क्वायर है तो ये मैंने 5 स्क्वायर राइट किया स्क्वायर रूट, ये अपनी जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ y अपनी जगह पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर रूट के लिए सब के ऊपर 1/2 लगा लिया, x क्यूब के ऊपर भी जो है वो स्क्वायर रूट इस तरह ही रहने दिया, y4 के ऊपर भी 1/2 लगा लिया, 5 स्क्वायर के ऊपर भी हमने 1/2 लगा लिया, ये अपनी जगह पे छोड़ दिया और y स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट हमने लगा लिया, ठीक है, सॉरी 1/2 लगा लिया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो आपका आंसर जो है इस तरह बन गया कि 25 x क्यूब का थर्ड रूट y स्क्वायर का थर्ड रूट, सही है, स्क्वायर है 5 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ x और स्क्वायर रूट सिंपल y है। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 1 5 और 5 5 25 बन गया, ठीक है जी। तो 5 और ये एक y इसके साथ कट गया, ठीक है, तो ऊपर y रह जाएगा और थर्ड रूट ऑफ x, सही है, सॉरी x क्यूब का स्क्वायर रूट है वह x का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने फिर इस तरह किया कि 5 अपनी जगह पे राइट किया, एक्स क्यूब हो का स्क्वायर रूट हो और एक्स का स्क्वायर रूट लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर इसको एक्स क्यूब के ऊपर ये स्क्वायर रूट के लिए 1/2 लगाया और एक्स के ऊपर 1/2 लगाया, ठीक है जी। 5 x, ये 3 1 3/2 और ये ऊपर जाता है तो इसका पावर -1/2 आ जाता है, ठीक है जी। अब इन दो फ्रैक्शन को जब आप ऐड करेंगे तो ये एलसीएम के तरीके से 2/2 आ जाएगा और 2/2 से इसका आंसर 5y x आ जाए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप इस अंदाज से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक सिंपल सा मेथड मौजूद है जो आपको बहुत पसंद भी आएगा, तो मैं बोर्ड पे वो वाला मेथड करवा रहा हूँ, तो आप जरा अपने साथ नोट कर ले, ठीक है जी। अगर अब नहीं कर रहे हो तो फिर आप वीडियो से कर लें, ठीक है, लेकिन उसको गौर से देखो, फिर दोबारा आप पूछेंगे, मुझे पता है अभी जब मैं माइक ऑन करवाऊंगा तो अभी से आप देख ले, ठीक है। अच्छा, दिस इज द थर्ड वन पार्ट दैट इज सिंपल, दिस इज 625 x क्यूब y4 डिवाइडेड बाय 25 x y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। फर्स्ट स्टेप चले आप इस तरह कर ले कि इन दोनों को लिख लो, 625 को आप लिखो 25 मल्टीप्लाई विथ 25 और एक्स क्यूब अपनी जगह पे, वाई स्क्वायर अपनी जगह पे और ये 25 अपनी जगह पे, एक्स वाई स्क्वायर अपनी जगह पे और स्क्वायर रूट के लिए आप लिखो 1/2, ठीक है जी। अच्छा, एक 25 इसके साथ कट जाएगा, सही है, तो एक 25 तो रह गया ना, और इधर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब मैंने राइट किया, फिर इसके बाद वाई फोर है ना, y4 है वो मैंने राइट किया। अच्छा जी, अब ये याद रखिए कि जब ये x ऊपर जाता है तो इसका पावर क्या होता है, पावर इसका होता है माइनस में, तो ये प्लस 1 है इसका पावर नीचे, तो ऊपर जाके इसका -1 बन जाता है, और ये y स्क्वायर है ना, तो ये जब ऊपर जाता है ना तो इसका पावर -2 बन जाता है, और लेकिन इसके ऊपर ये होल पावर 1/2 बी मौजूद है। अच्छा जी, इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, हम 5 स्क्वायर लिखेंगे।
अच्छा ये x क्यूब है और ये x पावर माइनस वन है, तो ये बेसिस सेम है, इनके पावर्स को हम प्लस करेंगे, थ्री और इसका पावर माइनस वन है, ठीक है। अच्छा ये y फोर है ना, और इसका पावर क्या है, माइनस टू है, तो इसके पावर्स भी मैंने वो कर, और स्क्वायर रूट के लिए हमने ऊपर क्या लगा लिया, वन बाई टू ही लगा लिया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करेंगे कि फाइव का स्क्वायर लिखेंगे, अच्छा और एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, वाई का स्क्वायर लिखेंगे, और इसके ऊपर ये वन बाई टू आ जाएगा। अच्छा फिर हम इन सब को ये वन बाई टू दे देंगे, तो फाइव का स्क्वायर होल पावर वन बाई टू, और x का स्क्वायर लिखेंगे और होल पावर वन बाई टू दे देंगे, और y स्क्वायर का जो है वो वन बाई टू लिख लेंगे, तो ये सारे टू कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, फाइव एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। सो फाइव एक्स वाई इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने साथ फिर ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, सही है जी। अच्छा जी फिर आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे करवा दिया ना, उस मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। फोर्थ वन है थ्री वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है, तो ये सिंपल है, ये अभी मैं बोर्ड पे नहीं करवा रहा हूँ, रिक्वायर्ड गिवन में ये लिख के रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन सोल्यूशन को देखो, थ्री वाई माइनस फाइव का स्क्वायर, ठीक है, इस रेडिकल के लिए ऊपर आप लिखिए वन बाई टू, और ये टू कैंसिल हो के आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ थ्री वाई माइनस फाइव आ जाएगा, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, ये वैसे मिटाया गया फिर बाद में, ठीक है। तो थ्री वाई माइनस फाइव इज सिंपली आंसर। चलिए जी ये फिफ्थ वन भी आप लोग जरा देख लें, फिफ्थ वन में है हमारे पास सिक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एटीन, तो सिंपल इस एटीन को मैं नाइन टू लिख सकते हो, क्योंकि नाइन टू ज एटीन, ठीक है। अच्छा जी फिर हम इस नाइन को लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर राइट किया और टू राइट किया, इसका स्क्वायर रूट सिक्स अपनी जगह पे लिखा, इसका प्रोडक्ट रूल ले दो, तो इसको अलग स्क्वायर रूट और इसका अलग स्क्वायर रूट, थ्री स्क्वायर और होल पावर वन बाई टू लिखो, स्क्वायर रूट टू लिखो, तो थ्री और थ्री कैंसिल, तो इधर सिक्स इंटू थ्री मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ टू आ जाएगा, तो सिक्स थ्री इज 18, तो 18 स्क्वायर रूट ऑफ टू इसका आंसर हो गया, सही है जी। अच्छा इस सिक्स वन पार्ट को भी जरा आप देख लें, सिक्स वन पार्ट में क्या कहते हैं, द थर्ड रूट ऑफ 54 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन में ये रिपीट करो, रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन राइट करो, सोल्यूशन को देखो, सबसे पहले आप इस तरह करें कि इन सब पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, देखिए आप मेरे स्टेप्स नोट करें, ये 54 अलग क्वांटिटी है, क्यूब एक्स क्यूब अलग क्वांटिटी है, एक्स वाई क्यूब अलग क्वांटिटी है, जेड स्क्वायर अलग क्वांटिटी है, इन सब को थर्ड रूट दे दो फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में आप इस 54 को आप लिख के 27 स्क्वायर इसको लिखो, ठीक है, 27 या 27 टूज आ लिखो, इन्होंने एक स्टेप छोड़ोगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर आप लिखेंगे 27 इंटू टू, तो फिर हम 27 को अलग क्यूब रूट दे देंगे, 2 को अलग दे देंगे, और ये बाकी सारे अपनी जगह पे आ रहे हैं, सही है। इस 27 को मैं 3 का क्यूब लिखूंगा, ठीक है जी, और क्यूब रूट ऑफ 2 और एक्स थर्ड रूट ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब और थर्ड रूट ऑफ जेड स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में इस थर्ड रूट के लिए 1/3 लिखें, इस को अपनी जगह पे राइट करें, इस एक्स क्यूब के ऊपर इस थर्ड रूट के लिए 1/3 राइट करें, वाई क्यूब के लिए ऊपर 1/3 राइट करें, और ये जो है बिल्कुल सिंपली अपनी जगह पे राइट करें, नेक्स्ट स्टेप में 3 और 3 कैंसिल और इधर भी 3 और 3 कैंसिल, तो इधर 3 रह गया, इधर एक्स रह गया और इधर वाई रह गया, तो 3xy पहले लिखो और जो रूट्स में रह गया है ना क्यूब रूट्स में उनको अलग अलग लिख लो। अब इन दोनों को आप वो प्रोडक्ट रूल मतलब कोशेंट में आप जो है उन दोनों को सॉरी दोनों अलग अलग क्यूब रूट में है तो इन दोनों को आप अलग अलग में नहीं बल्कि एक में ही मल्टीप्लाई करके लिख ले, ठीक है जी, थर्ड रूट ऑफ 2z², ठीक है। अच्छा जी तो ये थे आपके पास आपके कुछ क्वेश्चन, ठीक है, इसको सिंपल आप जो है
कर लेंगे, यूट्यूब से भी फिर आप एक दफा देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जिनका कोई क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 2.3 में ना, तो वो रेस करें हैंड अपना ताकि मुझे पता चले। जब आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो अपना माइक फिर बंद किया करें और फिर वो अपने लेक्चर को सुना करें। तो जिनका कुछ मसला है तो काइंडली रेज योर हैंड, एनीवन। अच्छा खुशहाल, आस्क योर क्वेश्चन। सर जी, एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 थोड़ा दोबारा दिखाए सारे क्वेश्चंस। हाँ हाँ, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 सारे। ये सारे पार्ट्स में दोबारा करूं? नहीं, थोड़ा एक नजर दिखाए कि मैं ऐसी देखूं किस तरह है। अच्छा, आपने अभी तक नोट नहीं किया मेरे साथ, ठीक है। ये मैं YouTube पे डाल रहा हूँ इस वीडियो को, फिर उधर से आप देख लेंगे, ठीक है। अगर टाइम बचा तो फिर मैं बता रहा हूँ लास्ट में, ठीक है। बेटा आप इस तरह क्वेश्चन किया करें कि इससे कुछ रिलेटेड हो ना, मैं दोबारा इसके पार्ट्स को वो रिवाइज करवा दूं। अब्दुल्ला माइक ऑन करके पूछे शाबाश। फरहान, फरहान आस्क योर क्वेश्चन। सर ये 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 क्वेश्चन 2 में फिफ्थ वन पार्ट 5। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 में फिफ्थ वन पार्ट, चलिए देख लेते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन 2 में फिफ्थ वन पार्ट को जरा आप देख लें। अच्छा जी, तो ये लिखा है 5 - 6 स्क्वायर और ये इसके ऊपर 3 है, ठीक है। ये 1/2 नहीं है अभी, सही है, ट्रांसफॉर्म कर इसको। तो 5 - 6 स्क्वायर होल पावर 3, ये पूरा रेडिकल है और इस रेडिकल की पूरा स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट के लिए आप 1/2 करें तो 1 3 = 3 और 2/2, तो इस रेडिकल के ऊपर 3/2 आ जाएगा, ठीक है फरहान। अच्छा, और कोई कुछ पूछना चाहता है? मुबीन, आस्क योर क्वेश्चन। पर ये आपका यूट्यूब पर डालेंगे? अभी एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। चलो मैसा, ask your question, any problem? अच्छा, आसमा बशीर, any problem? आसमा बशीर, yes ask. आवाज नहीं आ रही आपकी। नवीद, नवीद अच्छा जी, विलदात है या आप क्या हो, मोहम्मद वलीद हो? सर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 करवा दो। अच्छा चले सुने इसको, ठीक है, माइक बंद करके सुने। अच्छा एक्सरसाइज 2.3 अच्छा क्वेश्चन 4 में पार्ट 3 आपने पूछा है ना, क्वेश्चन 4 पार्ट 3 को देख के जरा।
स्क्रीन नजर आ रहे आप लोगों को? अच्छा, पार्ट थ्री में आप इस तरह करें कि क्वेश्चन रूल अप्लाई करें ना, नॉमिनेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर आप 625 को अलग दे देंगे, एक्स क्यूब को अलग दे देंगे, वाई फोर को अलग दे देंगे, और इस डिनोमिनेटर में 25 को अलग, एक्स को अलग और वाई स्क्वायर को अलग से दे देंगे। 625 को मैं फिर 25 का स्क्वायर लिखूंगा, एक्स क्यूब ये अपनी जगह पे, ये बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे आएगी, और सिर्फ 625 को 25 का स्क्वायर राइट करूंगा और 25 को 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं इस तरह करूंगा कि इन स्क्वायर रूट्स को वैल्यू असाइन कर दूंगा 1/2, ठीक है, 1/2 सबको दे दूंगा, तो इधर से कैंसिल हो जाएंगे, इधर 25/5 रह जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इससे भी ये कट जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये 2 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये भी कट जाएंगे, 5 1s are 5, 5 5s are 25, ठीक है, और ये एक वाई भी कट जाएगी ना, तो इधर आपका 5 5 आ जाएगा, और इन दोनों को लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इनको वैल्यूज असाइन कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ की वैल्यू 1/2 और इसकी भी 1/2, ये वाला एक्स ऊपर जाएगा तो इसका पावर नेगेटिव बन जाएगा, और बेसिस सेम होंगे तो पावर को जब आप प्लस करेंगे ना, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 इसका एलसीएम है और इसका आंसर 3 - 1, तो 2 आ जाएगा, 2/2 से 2 आते हैं, जो मैंने बोर्ड पे करवाया था, फिर आप लोग वो वीडियो पे देख लेंगे, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, किसी और ने कुछ पूछना है? उरुज 8A, आस्क योर क्वेश्चन। सर, हम जो है ना, तो इतने दिनों से लेक्चर्स नहीं ले रहे थे, तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा एक्सरसाइज। मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, थोड़ा सा ऊंचा बोले आप। सर, हम इतने दिनों से लेक्चर्स नहीं ले रहे थे, ये वाले जो आप कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज 2.3 में करवा रहा था, ठीक है, 2.3। सर, ये तो सर, तो हम एक कहाँ से करें? ये आपने क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं? नो। ओके, फिर आप यूट्यूब पे देख लेगी, सही है? यस सर। और अच्छा, अब्दुल्ला, आस्क योर क्वेश्चन, हरी अक्षय मोश। एक्सक्यूज मी सर, ये क्वेश्चन नंबर 4 में, ये 4 नंबर पार्ट थोड़ा करवाए। अच्छा जी, ये 4th में 4th पार्ट को जरा आप देखें, मेरे पास टाइम भी कम है। 4th में 4th पार्ट में है कि 3y - 5 का होल स्क्वायर है ना, तो सिंपल आप इसको रेडिकल के लिए वो 1/2 लगा ले, 2 और 2 कैंसिल, तो आपका आंसर 3y - 5 आ जाएगा, सही है।